Hello friends, my name is Sadashiv Takle and you are watching Knowledge Planet. Today we are going to learn what is Bohr's atomic model and the postulates which is explained by the Bohrs. आज हम Bohrs का atomic model के बारे में आप जानकारी लेंगे. उसमें आप atom कैसे रहता है, atom का structure कैसा है, atom के अंदर क्या क्या रहता है, ये जो आपने नेल Bohrs ने जो बोला है वो हम आज पढ़ेंगे दोस्तों. तो शुरू करते हैं Bohrs का एटॉमिक मॉडल. नाउ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ Bohrs एटॉमिक मॉडल इज दैट एन एटम कंटेन्स अ डेंस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस एंड विच कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. सी दिस फिगर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड दिस इज अ एटम ऑफ नाइट्रोजन. ये नाइट्रोजन का एटम है दोस्तों. इसमें सेंटर को ये क्या है, न्यूक्लियस है. मीन्स एवरी एटम ऑफ एवरी एलिमेंट कंटेन्स अ डेंस. डेंस मतलब क्या, भरी. वो डेंस क्या रहता है, सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज पार्ट रहता है, उसका नाम है न्यूक्लियस. उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस ऐसा बोलते हैं. एंड इनसाइड द न्यूक्लियस द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर. प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है रहते हैं और उसका नाम क्या है, न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस ओके. तो प्रोटॉन का चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है. और न्यूट्रॉन को कोई चार्ज रहता है क्या, नहीं रहता है. मीन्स द फर्स्ट पॉस्टुलेट ऑफ Bohrs इज एन एटम कंटेन्स अ डेंस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड दैट पार्टिकल इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस विच कंटेन प्रोटॉन विच इज पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैविंग नो एनी चार्ज. दैट्स व्हाई न्यूक्लियस हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज. सेकंड पॉइंट, अराउंड द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व. सी दिस, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स हैविंग अ नेगेटिव चार्ज and that electrons are revolved around the nucleus and that is called as orbit. और उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं. मतलब क्या, न्यूक्लियस के अराउंड क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं. एक पर्टिकुलर पाथ है, दैट इज पाथ इज कॉल्ड एज ऑर्बिट. इसको क्या बोलेंगे अपन, ऑर्बिट बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट. सो ऑल दीज आर द ऑर्बिट्स. और इसका अदर नाम है शेल. उसका नाम भी हम दे सकते हैं K, L, M, N. These are the orbits on which the electrons are revolved around the nucleus. Okay, third point. Each stationary state having a particular amount of energy that is called as energy levels. मतलब क्या, ये जो shell है या these are the orbits, ये जो orbit है, each orbit having a particular amount of energy. मतलब this orbit की energy different है, ये orbit की energy different है, ये orbit की energy different है, और ये orbit की energy different है. मतलब हर orbit की energy different है. That's why orbit is also called as energy levels. Energy levels क्योंकि इसकी level अलग है, इसकी energy level अलग है, इसकी energy level अलग है, इसकी energy level अलग है, और इसकी energy level अलग है. That's why orbit is also called as shell. Shell is also called as energy levels. सो अभी आप यहां पे देखेंगे तो न्यूक्लियस और अराउंड द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं. यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, यहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, यहां पे 18 घूम रहे हैं, यहां पे 32 घूम रहे हैं. मतलब जो इलेक्ट्रॉन, सो यहां पे क्या होता है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, इन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच 1 फोर्स इज देयर. इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच कौन सा क्या रहता है, एक फोर्स रहता है. दैट फोर्स इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, उसको नाम है, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. दैट फोर्स इज एग्जैक्टली इक्वल टू द और विच इज बैलेंस्ड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब क्या, एक फोर्स क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अंदर की ओर खींच रहा है. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मीन्स द फोर्स विच आर अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से बाहर एक को ढकल रहा है. मतलब दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन आइदर अंदर भी नहीं आ रहा है या बाहर भी नहीं जा रहा है, वही जगह पे स्टेबल है. दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन डज नॉट फॉल इनटू द न्यूक्लियस. मतलब क्या समझो, यहां पे एक न्यूक्लियस है, अराउंड द न्यूक्लियस क्या है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं. तो क्या पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर भी जा सकता है या न्यूक्लियस के अंदर भी जा सकता है, मतलब न्यूक्लियस के पास भी जा सकता है. तो क्यों नहीं जाता, क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच कौन से फोर्स है, दो फोर्स काम कर रहे हैं. वन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस. इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कौन सा क्या काम करता है, न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स
away from the nucleus khichta hai, that's why electrons does not fall into the nucleus. Next point kya bola hai Neil Bohr ne, electrons nearest to the nucleus, jo electron nucleus ke near hai, jo pass hai, having a low energy, and the electrons which are away from the nucleus, yahan pe electron hai, n mein electrons hai, isme electrons hai, jo electron nucleus ke pass hai, us electrons ke pass energy kam rehti hai, aur the electron which are away from the nucleus, that electron having a high energy. Matlab kya, the electrons which are nearer to the nucleus having a low energy, and the electrons which are away from the nucleus having a high energy. And the next or last point explained by Bohrs, an excited electron jump from lower energy level to the higher energy level. Agar electron excite hota hai, excite matlab kyun, stable hone ke liye agar electron excite hota hai to wo jump karta hai. Jump kahan se karega, lower energy level se higher energy level mein karta hai, higher se lower mein kabhi bhi electron jump nahi karta hai. To kahan se kahan karta hai, lower se higher energy level mein jump karta hai. So itna tha dosto, isme se aap समझ सकते हो कि कौन से भी एटम का, कौन से भी एलिमेंट का एटम का स्ट्रक्चर कैसे रहता है, उसमें न्यूक्लियस कैसे रहता है, न्यूक्लियस के अंदर कौन-कौन रहता है, अराउंड द न्यूक्लियस कौन-कौन रहता है, उसके घूमने के वेज क्या है, ऑर्बिटल्स, ये सब के बारे में आपको जानकारी मिली होंगी. अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, डाउट्स है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. थैंक यू.